हाय दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि लास्ट डे जो हमने एनालिसिस किया था उसका भी कोई ट्रेड मिला कि नहीं मिला, ठीक है। और हम ये भी दिखाएंगे कितना मेरा लॉस हुआ है, 4 रुपया 3 रुपया जो है लॉस हुआ है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ट्रेड हम लोग को लेना था मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग सेटअप हम लोग पहले सबसे पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो है मोमेंटम बहुत तेजी से होता है, ठीक है। मॉर्निंग में ट्रेड देखिए यहाँ पे लेना था, आप यहाँ रिजेक्शन देकर के दे सकते हैं। ये हम लोग डिसाइड किए थे कि ये वाला जो लेवल है 1000 का जो लेवल, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। ये वाला जो लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट बन चुका है, इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब फ्रेश सेलर जो वो लोग इंटर एंट्री बनाएंगे, वो लोग इसके नीचे ही बनाएंगे। जो फंसे हैं तो बात की बात है, जो सेलर इसके ऊपर फंसे हैं उसका तो आज खटिया खड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेश सेलर अगर आएंगे तो इसके नीचे ही आएंगे, ठीक है। इसके नीचे ही हम लोग सेलिंग का प्लान ज्यादातर करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग इंटरडे प्लान कर रहे हैं, इंटरडे वाले हैं, तो हम लोग इस 1010 का जो लेवल है इस पॉइंट पे भी हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा डिस्कस किए थे, और ये वाला लेवल यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से जो खुला, ठीक है, यहाँ से खुला ऊपर गया, यहाँ तो ट्रेड नहीं ले सकते थे, इस पॉइंट पर ट्रेड नहीं ले सकते थे। आपको ये वाला थोड़ा सा कन्फ्यूज करता, इस तरीके से गया और यहीं से थोड़ा सा रिवर्स लिया, नीचे एक साइड ठीक आया, और फिर यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा था, रिजेक्शन फिर से रहा था। देखिए एंट्री लेने की हम कोशिश यहीं पे कर रहे थे, लेकिन साला मार्केट ऑर्डर लग ही नहीं रहा था। मार्केट ऑर्डर बहुत लगा रहे थे लिमिट ऑर्डर, लेकिन ले ही नहीं रहा था। लिमिट ऑर्डर लगा रहे थे लेकिन लग ही नहीं रहा था, इसकी वजह ये वाला ट्रेड जो है, ये वाला रैली जो है मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर हम एक सेल करने की कोशिश किए, ये वाला जो लेवल है यहाँ पर हम सेल करने की कोशिश किए, इस पॉइंट पे हम सेल किए, ठीक है। टॉप पे सेल किए थे, और अपना जो स्टॉप लॉस था देखेंगे, अगर 10 रुपया 70 पैसा 1010 का है, 1010 70 पैसा का जो है अपना स्टॉप लॉस लगा के हम बैठे थे। अरे अगर स्टॉप लॉस सीट किया मार्केट, ठीक है, स्टॉप लॉस सीट किया तो उसके बाद फिर ऊपर के सीडिंग किया, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाया, ठीक है, कैनल स्टिक बेरिज कैनल स्टिक यहाँ बनाया, और यहाँ पर एक्टिव भी हुआ, और नीचे से सीधा एंट्री अगर यहाँ इस फोन पे बनाते तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी आपको टारगेट देखने को मिलता है। लेकिन अपना सेटअप एक ही था, यहाँ पर बना भी अपना पॉइंट भी एक ही था कि इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे इस तरीके से, तो एक बार डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए दिख रहा था, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एम पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा था, ठीक है, इस तरीके से जा रहा था। तो कहीं ना कहीं एक बार जरूर गिरता, और पीछे एम पैटर्न बना के फिर से कोशिश कर ही रहा है, लेकिन एक यहाँ पर एम पैटर्न बनने की कोशिश फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। और उसी पॉइंट पे हम एंट्री भी लिए थे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ट्रैप हो गया है, मेरा लॉस यहाँ पर जो है लगभग यहाँ पर 4 रुपये का, यहाँ पर जो है 4 रुपये 10 पैसा का मेरा लॉस हुआ है। 2 क्वांटिटी मेरा था, ठीक है, मेरा 2 क्वांटिटी 4 रुपये 10 पैसा का लॉस हुआ है। पिछला बार यहाँ पर हुआ था 6 रुपया कुछ पैसा का लॉस हुआ था, पर कोई बात नहीं, सीखना है तो सीखेंगे जरूर, लॉस तो देना ही पड़ेगा मार्केट में, ठीक है, लॉस तो देना ही पड़ेगा। अगर मेरा 4 रुपये का लॉस हुआ कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे कब तक प्रॉफिट में आते हैं हम लोग, ठीक है। मार्केट को पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या किस तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल के टाइम फ्रेम में जाएंगे, इस ट्रेंड को क्या वैल्यू है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखिए अब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से क्या हुआ, इस पॉइंट से मार्केट निकला, ठीक है, इस पॉइंट से मार्केट निकला, देखिए मार्केट के बिहेवियर आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट से निकला, डीप लिया, फिर बायर इस पॉइंट पर आए, बायर यहाँ पर फिर आए, और फिर जाकर के निकला, फिर से डीप लिया, और फिर 1000 के आसपास बाहर आ गया। हम कहें भी थे कि 1000 के लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रिएक्ट करेगा, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग गेट है, इसके ऊपर बाइंग का प्लान करेंगे, यहीं से मार्केट जो है फिर से अब कैसे निकला। यहाँ पर एक देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न भी स्पॉन्ड बना, लेने वाला हम बहुत कोशिश करते लेकिन लिमिट ऑर्डर लगा नहीं, इसकी वजह हम ट्रेड लिए, दूसरा ट्रेड में जो है लॉन्ग ट्रेड था, ये ट्रेड मिस हो गया, इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये ट्रेड लिए, मेरा लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ से देखिए इस तरीके से निकला, डिप लिया, बाय ऑन डिप पे चढ़ा इस तरीके से, ठीक है, फिर से यहाँ डिप लिया, इसी पॉइंट से डिप लिया है, और पर कैसे निकला भी है, लेकिन पिछला हाई को जो है ब्रेक नहीं किया है, पिछला हाई को जो है ब्रेक नहीं किया, कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि प्राइजेशन भाई यहाँ पर चेंज हो सकता है, यहाँ पर जो है प्राइजेशन इस तरीके से चेंज हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर प्राइजेशन चेंज होते हुए दिख रहा है, ठीक है। जो चार्ट कर दिखे आपको जो ऑप्शन चेंज बाद बताएगा, चार्ट को सबसे पहले बता देगा कि हमारे मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है, चार्ट में जो है आपको पहले बता देगा मार्केट में क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर यही चीज हुआ, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कल के सेशन में जो है, कल के सेशन में जो है बहुत अच्छा अपना जो सेटअप यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, इसे इस ट्रेंड को फिलहाल हम लोग जो है हटाते हैं, कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहा है, ट्रेंड को हटा देते हैं, ठीक है, और
एक थोड़ा सा टाइम के टाइम पे एक थोड़ा सा चार्ट रीड करने का भी मिल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये जो बड़ा टाइम फ्रेम में हुआ है और छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे होता है, देखिए ऐसे ट्रेंड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। यहाँ से देखेंगे किस पॉइंट से मार्केट निकला, किस पॉइंट से मार्केट निकला, बाइंग आया डीप आया, बाइंग आया डीप आया, बाइंग आया डीप आया, पीछे बाइंग आया, ठीक है। यहाँ डीप आने के बाद फिर से बाइंग आया, लेकिन देखेंगे इसके ऊपर गया तो जरूर, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। जो ये वाला हाई था इसके ऊपर गया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। देखिए प्राइसिंग कैसे चेंज होता है इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यही चीज हो रहा है, 15 मिनट के टाइम पर जो ऐसी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है, वहां पर भी इस तरीके से हो रहा है। देखिए यहाँ से बाइंग आया, इस तरीके से डीप आया, फिर डीप आया, फिर यहाँ बाइंग आया, यहाँ से यहाँ पर डीप आया और फिर से लेकर के गए, लेकिन शायद जो है ब्रेक नहीं कर पाए। बना इसके ऊपर जाकर के टेस्ट जो किया, इसके ऊपर हाई तो मार्केट के आया, लेकिन इसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं कर पाया। इंडिकेट करता है यहाँ सेलर जो है मौजूद है, सेलर जो है 1010 पे जो है सेलर बैठे हैं, वो लोग पोजीशन को यहाँ पर सेल करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर एक यहाँ पर ब्रेक डाउन नीचे शुरू हुआ, एक मोमेंटम नीचे पर देखने को मिला, लेने वाला इसको लेता है यहाँ पर मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए चार्ट कैसे प्राइसिंग किस तरीके से यहाँ पर जो है चेंज होते हुए दिख रहा है। कल के लिए क्या इंडिकेट रहेगा, कल के लिए अपना बहुत अच्छा सेटअप रहेगा, ठीक है, कल के लिए सेटअप बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाएगा। सबसे पहले चलते हैं मंडे टाइम फ्रेम में, यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, क्या कंडीशन फुलफिल हो रहा है, उसी मतलब मूड पहले समझेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है पहले ये सब चीज हम लोग हटा, ठीक है। देखिए वनडे टाइम फ्रेम यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, ठीक है, मार्केट जो है इस पॉइंट से आया और इस पॉइंट पे गया और फिर यहाँ से आया और फिर यहाँ से निकलने की कोशिश करी। जो ट्रेंड यहाँ पर जो ट्रेंड पहले सपोर्ट था इसी ट्रेंड को सपोर्ट किया, ठीक है, और यहीं से निकला। यहाँ से निकलने के बाद क्या है कि प्राइस जो कहता है उसी की टॉपिक पे चलना है, ज्यादा तान टाम करेंगे तो ज्यादा तो आप ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अपर कैसे निकलेगा तो मूव देगा या फिर डाउन कैसे निकलेगा तो मूव देगा, बहुत तेजी से मूव देने वाला है वनडे टाइम फ्रेम में। लेकिन अभी वो आने वाली बात है, अभी बहुत दिन बाकी, उसमें वो चीज एक्टिव होता है तो देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हम लोग डिस्कस किए थे ठीक उसी तरीके से यहाँ हुआ है, प्राइस यहाँ पर चेंज भी हुआ है, ठीक है। अगर देखिए बेचांस अगर इस जो 1000 के पास अगर मिलता है, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास मिलता है या इस ट्रेन के आसपास मिलता है तो यहाँ पर जो है बायर पूरा टेक ओवर करेंगे। 990 का लेवल है, ठीक है, 990 का लेवल या 1000 के आसपास यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर डिमांड जोन है, ये वाला जोन जो है यहाँ पर बहुत बड़ा डिमांड जोन है, यहाँ पर इसके नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। अगर आसपास में अगर इसके आसपास कभी मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं, लेने वाले तो ले लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 50-990 या फिर 1000 के आसपास मिलता तो यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो है डिमांड जोन है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है बहुत सेटअप यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि इस पॉइंट से निकला जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस पॉइंट पे हो रहा था, ठीक है, वही चीज यहाँ भी हो रहा है। ध्यान दीजिएगा वही चीज यहाँ पर भी इस पॉइंट से निकला, डीप लिया, बायरेक्टिव हुए डीप लिया, बायरेक्टिव हुए डीप लिया, ठीक है, यहाँ से निकला, लेकिन देखिए पिछला है को ब्रेक नहीं किया था, इंडिकेट करता है कहीं मार्केट नीचे से गिरने जरूर आएगा, ठीक है, गिरने जरूर आएगा। जो बायर यहाँ पर लेना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर जो मोमेंटम इसको आना रहेगा, ठीक है, मोमेंटम इसको आना रहेगा, ठीक है, तो एक बार ये बायर यहाँ पर जो बैठे हैं, जो यहाँ पर 1000 के पास जो बायर बैठे हैं उनको जरूर निकालेगा, एक बार जो है इस बायर को जरूर निकालेगा। इस पॉइंट के आसपास आते अगर 1000 के पास आता है या फिर 990 के पास आता है, यहाँ पर बायर टेक ओवर तुरंत कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है बायर टेक ओवर तुरंत कर लेंगे। साइकोलॉजी पर हम लोग को भी काम करना है, 1000 के आसपास मिलता तो बाइंग का प्लान करेंगे, या फिर 990 के पास आता है कुछ बुलिश पैटर्न मतलब सिग्नल मिलता है तो वहां पर हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अगर सेलिंग का प्लान करना है तो यहाँ पर छोटी क्वांटिटी रखना है, ठीक है, किस पॉइंट पे छोटी क्वांटिटी रखना है, ध्यान रहे ये वाला जो लेवल इसको भूलना नहीं है, जो 1000 जो लेवल है इसे भूलना नहीं, ये भी एक जोन की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पर भी डिमांड जोन है, ठीक है, इसे भूलना नहीं, थोड़ा सा क्लियर करके करते हैं, थोड़ा
थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। 1000 का जो लेबर ए वाला जो है तो उसे लेकर के 990 से 98 तक लेकर के 1005 का या फिर 1004 तक का हम लोग यहाँ पर टारगेट, यहाँ पर हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। जो चीज हम लोग डिसीजन किए हैं वही चीज यहाँ पर एक्टिव होगा, तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और गैप रूम पुल करके अगर बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बनाता है, बड़ा रेड कैंडल बनाता है इस तरीके से जाकर के 997 से लेकर 996 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग करता है, ध्यान रहे जो पहले एक जोन यहाँ पे बन चुका था, ठीक है। जो ये वाला जोन है जो पीएमजी का जो हाई है, ये वाला ये जो अपना सपोर्ट के अंदर रिजेक्ट करेगा, ठीक है। कहाँ पे मरा 98 रुपया 50 पैसा के पास, ठीक है। ये अपना एक डिमांड जोन हो गया, ये जो हो गया ये वाला जो एरिया हो गया बहुत बड़ा अपना डिमांड जोन हो गया ये वाला, ठीक है। ये वाला बहुत बड़ा डिमांड जोन यहाँ पर रिएक्ट हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग बड़ा रेड कैंडल बनेगा इस तरीके से, जैसे ही इसका क्लोज करेगा, जैसे ही इसका क्लोज करेगा तुरंत हम लोग यहाँ पर टेक ओवर कर लेंगे, तुरंत हम लोग यहाँ पर बाइंग का प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 997 का, हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, जो चीज हम लोग डिस्कस करते हैं शाम में, वही चीज हम लोग जो है मॉर्निंग में अप्लाई करते हैं। अगर वो चीज बनता है तो हम सेटअप ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको कर देते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है चार्ट, थोड़ा सा हम लोग इसको बड़ा करके थोड़ा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक प्राइस बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, मार्केट रिएक्ट कर रहा है ताकि आप लोग समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है। ये चीज कहीं देखे होंगे, ये चीज बनता है ना, कहीं देखे होंगे पेपर में चार्ट में सब देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर बन चुका है, रियल में बन चुका है। अब वहाँ पर देखते होंगे बाद में बनता है, तो बहुत दिन का चार्ट यहाँ पर रियल में बन चुका है। लोग बोलते हैं प्राइस में काम नहीं करता है, काम करता है भाई, उसको पकड़ने जाने को तब तो इंडिकेटर पर काम करोगे तो कैसे काम करेगा। यहाँ पर बार बार जो है इसी को सपोर्ट लेकर के मार्केट जो है अब कैसे निकला है, ठीक है। इसी का सपोर्ट लेकर के क्लियर हो गया इस तरीके से, और यहां पर कर देंगे इसको हम लोग मेजर, ये हो गया स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। ये हो गया अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके ऊपर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, इसको क्रॉस करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। ये अपना हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना सपोर्ट, ठीक है। जो जो डिसीजन हम लोग लिए हैं इस पॉइंट पे सेलिंग का प्लान करेंगे और इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को काम करना है। अगर बाई चांस कभी अगर कहीं गैप अप कहीं पे खुल जाए, अगर गैप अप खुलेगा तो अपना यही है, यही सेटअप काम करेगा। अपना ध्यान में रखना है जो 1020 का लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। गैप अप खुल करके अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास आता है और यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड बनता है इसके ऊपर सस्टेंस करता है अगर 15 से 20 मिनट, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे, जो लोग भी 1010 पे जो राइट करके बैठे हैं वो लोग यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट पे हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
और यहां पर अगर ये इतना बड़ा गेवन पुल नहीं सकता है, अगर गेवन पुल के बचा अगर इसके आसपास मतलब तो हम यहां पर पूरा टेक ओवर कर लेंगे, पूरा हम यहां पर बैंक का प्लान करेंगे, लिमिट ऑर्डर तुरंत लगा देंगे यहां पर, इससे इंस्ट्रूमेंट पाएगा बैंक यहां पर सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ऐसे ही करना हम लोग का। यहाँ पर देखिए जो प्राइसन है किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी प्राइसन जो है चेंज नहीं हुआ, लेकिन चेंज होने का इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, जो पिछला को ब्रेक नहीं किया कहीं कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई हम यहाँ पर प्राइसन जो है चेंज करने की कोशिश करेगा जरूर, कल के समय जो है प्राइसन चेंज करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए और समझिए।